शब्द मूवी देखिए सिर्फ FWF ओरिजिनल्स पर। इकतीस मई को दुनिया भर में नो टोबैको डे मनाया गया। सबको पता है कि ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, फिर भी कई लोग इसके गिरफ्त से निकल नहीं पाते हैं। आपने ऐसे कई बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में सुना होगा जो चेन स्मोक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की जिनका नाम स्मोकिंग से जोड़ा जाता रहा है। किसी एक्ट्रेस ने पर्दे पर धुआं उड़ाया तो कोई रियल लाइफ में इसकी गुलाम रही। आइए डालते हैं ऐसी ही कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर नजर जिनका नाम सिगरेट से जोड़ा जाता रहा है। माहिरा खान। कुछ समय पहले रईस फिल्म की एक्ट्रेस माहिरा खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही थी, जिसमें वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर आधी रात को रणबीर कपूर के साथ सिगरेट पीती दिख रही थी। सुष्मिता सेन। पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को कई बार पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट पीते देखा गया है। कंगना रनौत। कंगना कई बार सिगरेट के साथ कैमरे के सामने दिखी हैं, हालांकि पब्लिकली वो सिगरेट पीती नहीं देखी गईं। कंगना ये तक कह चुकी हैं कि स्मोकिंग पर्सनल चॉइस है और इसे बैन नहीं किया जाना चाहिए। रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी भी अपने एक इंटरव्यू में सिगरेट पीने की बात स्वीकार चुकी हैं। कोंकणा सेन। कोंकणा सेन शर्मा ने प्रेगनेंसी से पहले सिगरेट छोड़ दी थी और उम्मीद है कि इसके बाद उन्होंने फिर शुरू नहीं की होगी। मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला को सिगरेट और शराब की लत थी और कहा जाता है कि सिगरेट की वजह से ही उन्हें ओवेरियन कैंसर हुआ था। काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी। काजोल की बहन तनीषा के हाथ में भी कई बार सिगरेट के पैकेट दिख चुके हैं। तनुजा। काजोल व तनीषा की माँ और बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुजा भी सिगरेट की आदि रही हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।